हेलो, वेलकम यू ऑल। आई होप कि आज 5 फरवरी सेकेंड सेशन में केमिस्ट्री का जो गेट पेपर था, आप सबका अच्छा गया होगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत सही था, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो, ऑर्गेनिक का हो या फिजिकल का हो। फिजिकल के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस इजी आए थे मेरे ख्याल से पिछले साल के मुकाबले, और जो MSQs थे जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन था वो भी ईजी आया था। कुछ दिन में आपका आंसर शीट, आपने जो आंसर किया है वो IIT कानपुर के अथॉरिटी के तरफ से अपलोड हो जाएगा गेट के ऑफिशियल वेबसाइट में। और अभी आपको मैं जो 10 एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले 5 1 मार्क का और 5 2 मार्क का, वो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जज कर पाओ कि ये फर्स्ट 15 मार्क्स में आप लोगों का कितना कितना आया है। सो इस क्वेश्चन में FX वर्सेस X प्लॉट किया गया है। FX को आप Y मान लीजिए और Y का 4 ऑप्शन दिया हुआ था। कौन सा वाला ऑप्शन इस ग्राफ के लिए अप्रोप्रिएट होगा? अब आप इस ग्राफ का स्ट्रक्चर देखिए बहुत अच्छे से। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, राइट हैंड साइड में हर एक यूनिट के लिए 1 2 3, हम जितना यूनिट जाएंगे, जैसा जैसा वाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा और फिर घटता जाएगा, ठीक उसी तरीके से -1 -2 -3, ये अगर FX के X के जगह हम पुट कर दे तो सेम तरीके से हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। मतलब x का वैल्यू 2 पुट करने से, y का अगर वैल्यू आए 10, तो x का वैल्यू -2 पुट करने से भी y का वैल्यू 10 आना चाहिए। सो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो 4 ऑप्शन में अगर आप x का वैल्यू पुट करते जाओगे 1 2 3, और थोड़ा सा चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि राइट फंक्शन था x²(2−|x)। आप यहाँ पे x के जगह 1 पुट करके देखिए, ये वैल्यू आएगा 1/2। वैसे ही x के जगह अगर आप -1 पुट करोगे तो भी ये वैल्यू आएगा 1/2। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स 45 होना चाहिए। आपको 4 नंबर दिया गया था और उन 4 नंबर में से आपको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना था जिसमें डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो। उनमें से एक ऑप्शन था 9999, ये नहीं होगा। इसका सम 45 तो आ रहा है और ये स्मॉलेस्ट नंबर भी था, लेकिन इसमें डिजिट्स अलग अलग नहीं थे, सब सेम डिजिट था 9। बाकी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक था 1 2 3 4 6 5 7 8 9। अब इन दोनों का ही सम 45 आता है और इन दोनों में ही डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, लेकिन स्मॉल कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इसमें 4 के बाद 5 है, जबकि यहाँ पे after 4 there is 6। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और एक क्वेश्चन था वेन डायग्राम वाला, कि देयर आर सम क्रिएचर्स, उन क्रिएचर्स में से कुछ हैं एनिमल्स। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब फेरोशस है, और कुछ क्रिएचर्स का क्लॉज है। जो क्रिएचर्स का क्लॉज है वो सब क्लॉज वाले क्रिएचर्स भी फेरोशस है। तो यहाँ से जितने भी कंक्लूशन निकल सकते हैं उनमें से सबसे सही था सम फेरोशस क्रिएचर्स आर द क्रिएचर्स विथ क्लॉज, ये स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर। अब आपको एक चीज जानना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि रेक्टेंगल्स मतलब जिस पैरेललोग्राम में चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन है रेक्टेंगल्स का। तो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी आता है और हम जिसको एक्चुअल रेक्टेंगल बोलते हैं वो भी आता है। तो इस फिगर में आपको स्क्वायर भी काउंट करना पड़ेगा और सो कॉल्ड रेक्टेंगल भी काउंट करना पड़ेगा। सो कितने रेक्टेंगल हैं? 1 2 3 4, ये टोटल 4 मिला के 1 5, ये जो छोटा सा पोर्शन है एक तरफ का 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये 9, एंड फाइनली द होल बॉडी 10। सो द आंसर विल बी 10। और एक पजल था कि 1000 विलेजर्स में 100 है कोविड अफेक्टेड, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड है। तो सबसे पहले उनको ग्रुप ऑफ 5 में डिवाइड किया जाएगा। तो ग्रुप ऑफ 5 में डिवाइड करने से कितना ग्रुप बन जाएगा? 100 विलेजर्स के 200 ग्रुप बन जाएंगे, जिनमें से हर एक ग्रुप में 5 5 पेशेंट्स हैं। अब वो 200 ग्रुप के हर एक 5 ग्रुप के सैंपल को मिक्स किया जाएगा और उसका टेस्ट किया जाएगा। अगर टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है तो 5ों विलेजर्स को कोविड नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इंडिविजुअली उन 5 को टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितना किट्स चाहिए ताकि कोई भी कंडीशन में एक भी पेशेंट छूट ना जाए? तो पहले तो आपने 200 का ग्रुप बना लिया। अब सबसे खराब सिचुएशन क्या हो सकता है? सबसे खराब सिचुएशन ये हो सकता है कि जो 100 इफेक्टेड, 100 कोविड इफेक्टेड लोग थे,
वो अलग अलग ग्रुप में जाए, मतलब एक ग्रुप में अगर 5 सैंपल है उनमें से एक सैंपल पॉजिटिव हो बाकी सब नेगेटिव हो, तो ऐसा ग्रुप कितना आएगा? कोविड इफेक्टेड पेशेंट कितने हैं? 100 इफेक्टेड पेशेंट हैं, तो नंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रुप विल बी 100। और हमारे पास कितने ग्रुप बने थे 5-5 मेंबर्स का? 200 ग्रुप। तो 200 ग्रुप में 100 ग्रुप का रिजल्ट आएगा नेगेटिव, उनका फर्दर टेस्ट नहीं करना है, और बाकी 100 ग्रुप का रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, इन सब का क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल टेस्ट करना पड़ेगा। सो ऐसे एक ग्रुप का इंडिविजुअल टेस्ट करने के लिए 5 किट चाहिए, 100 ऐसे ग्रुप के इंडिविजुअल टेस्ट करने के लिए टोटल 500 कोविड किट्स चाहिए होगा। और सबसे पहले हमने जो 200 ग्रुप बनाया था उनका भी टेस्ट करना पड़ेगा, तो उनके लिए 200 किट्स चाहिए, तो टोटल 200 प्लस 500 इसका आंसर होगा 700 कोविड किट्स आर नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 100x32 सेंटीमीटर डायमेंशन के एक पेपर को 5 बार फोल्ड किया गया, और फोल्ड करने का तरीका ये था कि लॉन्ग साइड टचेज अदर लॉन्ग साइड, मतलब अगर ये आपके पास पेपर है, लॉन्ग साइड इज 100 सेंटीमीटर और शॉर्ट साइड इज 32 सेंटीमीटर, तो इसको बीच में से फोल्ड करना होगा ताकि ये वाला साइड दूसरे लॉन्ग साइड को टच करे। तो पहला फोल्ड के बाद आफ्टर फर्स्ट फोल्ड हमारे पास ऐसे पेपर आएगा, इलोंगेटेड साइड का डायमेंशन सेम रहेगा 100 सेंटीमीटर, बस इसका बदल जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसके बाद उसको भी सेम तरीके से और एक बार फोल्ड कीजिए। सेकेंड फोल्ड के बाद हमारे पास जो कागज़ का पीस आएगा उसका भी डायमेंशन होगा 100 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे करते करते जब 5 बार फोल्ड हो जाएगा तो आप देखोगे आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसका डायमेंशन है 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और वही आंसर पे दिया था कि फाइनल डायमेंशन है 100 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इस पेपर को जब वापस खोलोगे तो कितना क्रीज दिखाई देगा, क्रीज मतलब बीच में जो दाग दिखाई देता है फोल्ड करने के बाद वो, सो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन था, पार्लियामेंट अगर रिलेटेड है लेजिस्लेशन से तो कोर्ट रिलेटेड होगा, इट विल बी जुडिशियरी। और एक क्वेश्चन था, कोई एक गलत काम किसी को करने के लिए दिया गया है और वो पर्सन कह रहा है कि आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई हैव, आंसर होगा कंशाइंस, कंशाइंस मतलब विवेक। अनदर पैराग्राफ वाज जहां पे एक स्टोरी टेलर याद कर रहे हैं कि वो अपने चाइल्डहुड में पार्शियल थे टू स्टोरीज ऑफ इंटर गैलेक्सीज एंड एटसेट्रा। यहाँ पे पार्शियल का मतलब वो इंटरेस्टेड थे, उनका टेंडेंसी उस तरफ था, उस टाइप के स्टोरीज सुनने में था। सो इसका इन्फरेंस होगा कि एन एडल्ट वाज मेमोराइजिंग हिज चाइल्डहुड। एंड लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30 स्टूडेंट्स को ना तो रोमांटिक मूवीज और ना तो कॉमेडी मूवीज, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगता। रोमांटिक मूवी देखने वाले का नंबर कॉमेडी मूवी वॉचर्स के डबल है, और 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों टाइप के मूवी देखते हैं। सो हाउ मेनी वॉचेस रोमांटिक मूवीज? सो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ रोमांटिक मूवी वॉचर्स अगर आर हम मान लेते हैं और कॉमेडी मूवी वॉचर्स सी है, तो ये जो कॉमन ग्राउंड है उनमें कितने लोग आते हैं? 20 स्टूडेंट, और 30 ऐसे हैं कि जो इन दोनों में से कुछ नहीं देखता। सो आर प्लस सी माइनस 20, क्योंकि आर प्लस सी जब आप करोगे तो ये 20 दो बार आ जाएगा। सो आर प्लस सी माइनस 20 प्लस ये 30 लोग जो कुछ नहीं देखते इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100। सो आर प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 90। अब आर इक्वल्स टू 2c बिकॉज रोमांटिक मूवी वॉचर्स आर डबल ऑफ कॉमेडी मूवी वॉचर्स। सो 3c विल बी इक्वल्स टू 90। सो c विल बी 30 एंड r विल बी 60। सो योर आंसर विल बी 60। सो बेस्ट विशेज फॉर योर रिजल्ट जो कि मार्च में आ जाएगा, और अभी 19th फेब्रुवरी के GSI प्रीलिम्स के लिए तैयारी कीजिए। मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाया है अपने चैनल में, वो देख लीजिएगा, और साथ में मैं और भी वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा रिगार्डिंग GS एंड एटसेट्रा। होप इट विल हेल्प यू। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।